हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इनसाइट का जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है 2021 प्रीलिम्स के लिए, तो वो शुरुआत करने जा रहे हैं और आज से कंटिन्यू रहेगी। मतलब कि मैं ट्राई करूँगी कि एक हफ्ते में एटलीस्ट एक टेस्ट तो आपका हो ही जाए। तो आज हम टेस्ट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं और ट्राई करूँगी आने वाले 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, जो कि अभी तक मैंने करी नहीं। और हफ्ता निकलने वाला, आज फ्राइडे है एंड फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में ट्राई करूँगी फटाफट से कवर हो सके। और फ्रॉम दी मंडे हम एक नई चीज़ करने वाले हैं, हम मॉर्निंग में एंड इवनिंग में हम 2 टाइम पे 5-5 MCQs करने वाले हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ये तो हमारा चलेगा पूरा वीकडेज़ में, और जब संडे होगा हमारा तो संडे में आई विल ट्राई कि जो करंट अफेयर्स है उस पूरे हफ्ते का, उसके एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस मैं उसके MCQ दे सकूँ आपको। मॉर्निंग में मैं डाल दूँगी और शाम में उसका पूरा का पूरा आंसर होगा। तो मंडे से चीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ, उसके साथ साथ हफ्ते में 3 दिन होगा ऐसा केवल, कि जो मेंस पर्सपेक्टिव से स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस आई विल ट्राई कि जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि आप कहीं से ही पढ़ के कवर कर सकते हैं, मैं उनकी वो ट्राई करूँगी पोस्ट करने का। करंट का भी मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि करंट अभी ही मैंने शुरू करा है कुछ दिन पहले ही, तो अभी अगर करंट का शुरू कर दूँगी MCQs तो थोड़ा सा इशू करेगा। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी हफ्ते के 3 दिन रखते हैं, स्टैटिक पोर्शन रखते हैं जिसमें बेसिकली GS1 और GS4 होगा, और उसके बाद GS2 और 3 को आने वाले 2-3 महीनों बाद से शुरू करेंगे। तो ये पूरा प्लान है मेरा नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब आफ्टर दिवाली हम ये सब करने वाले हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं और 3 दिन में ट्राई करूँगी कि मैं ये पूरा टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है वो ख़त्म कर सकूँ। फिर एवरी वीक मे बी 20-20 क्वेश्चन ईच डे, या फिर जैसा भी सूटेबल रहेगा आई विल डू दैट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है हर्षवर्धन किंग के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। मतलब जो ह्यूसांग का जो अकाउंट है, जो उनकी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, उनसे हमें यह पता चलता है कि उनके टाइम पर जो हर्षा हैं उन्होंने साउथ इंडिया को जीता था, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो पाटलिपुत्र है वो अपनी पावर कहाँ से लेता था, उसकी पावर जो थी वो, और प्लस उसका इंपॉर्टेंस था ट्रेड और कॉमर्स में, और साथ ही साथ जो वाइड स्प्रेड यूज़ था मनी का, वो सब चीज़ें हैं पाटलिपुत्र में, ये सब खुद उसके पास थी, ठीक है। और जो टोल है वो कलेक्ट किया जाता था किनसे, ट्रेडर्स से जो कि सिटी में आते थे, कहाँ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या फिर साउथ से, रिवर 4 नदियों के द्वारा, ठीक है जी। लेकिन एक बार जैसे ही जो मनी है वो बढ़ वो क्या हुआ वो स्कैर्स होने लगी, ट्रेड जो है डिक्लाइन होने लगा, ऑफिसर्स और सोल्जर्स जो थे वो क्या हो गए, वो लैंड ग्रांट के थ्रू उनको पेड किया जाने लगा, सिटी ने अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खो दी, और जो पावर था वो शिफ्ट हो गया मिलिट्री कैंप के पास, और जो प्लेस जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस था उसने भी एक बहुत ज़्यादा उसका डोमिनेटिंग लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड था वहाँ पे, उसने अपनी प्रोमिनेंस स्टेब्लाइश कर ली, और इस तरह से जो क्लास था वो बिलोंग कर गया कन्नौज को, सॉरी जो क्लास थी कन्नौज को बिलोंग करती थी, ठीक है जी। एक बात इसमें और कही गई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कैंपेन था हमारा हर्षा का, वो अगेंस्ट था किसके, वेस्टर्न चालुक्य रूलर पुलकेसिन टोके। अपनी अर्ली लाइफ में जो हर्षा है वो डिवोटी थे शिवा के, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गए थे हीनयाना बुद्धिज़्म में, और ये ह्यूसांग जो थे इन्होंने ही इनको, मतलब हर्षा को, महायाना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करा था। हर्षा ने जो है वो एनिमल फूड को जो कंजम्पशन था उसको अपने यहाँ पे अपने किंगडम में प्रोहिबिट कर दिया, और जो भी किसी लिविंग बींग को किल करता था उसको उन्होंने पनिश करने का भी आदेश दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो टर्म है आपना, ये किसको रेफर करता है, तो बेसिकली रेफर करता है शॉपकीपर्स को। बैटल ऑफ हाइड पास किसके बीच में लड़ी गई थी, तो अलेक्जेंडर और पुरस के बीच में थी। अब क्या हुआ, 327 BC में जब अलेक्जेंडर थे उन्होंने हिंदूकुश माउंटेन को क्रॉस किया, और वो आगे वो क्रॉस करके आगे करीब यहाँ पे उन्होंने 10 मंथ तक रहा, और उस पर इसलिए रहने के लिए उनको वहाँ के ट्राइब से फाइट भी करनी पड़ी। और फिर फरवरी में क्या हुआ, इन्होंने इंडस को क्रॉस कर लिया एक ब्रिज की हेल्प से, और वहाँ पे जो तक्षशिला था वहाँ के जो किंग थे वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने उनका बहुत ही वार्मली स्वागत किया, और यहीं से मतलब तक्षशिला से ही अलेक्जेंडर ने क्या किया, पोरस को ऐसा मैसेज भेजा कि आप जो है सबमिट कर दो हमारे सामने, अपने हाथ खड़े कर दो, लेकिन पोरस ने ऐसा करने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं इससे अच्छा कि आपसे फाइट करना चाहूँगा। तो इसके बाद हुआ क्या, जो बैटल हाइट्स पास है वो शुरू हुआ झेलम के पास, ठीक है जी।
और एट द एंड हुआ क्या, हाँ पहले तो ये हुआ ना कि बहुत ऐसे रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा था, तो अलेक्जेंडर जो है वो इस एबल ही नहीं थे कि उसको क्रॉस कर सकें। फिर फाइनली आए, लड़ाई वड़ाई हुई। हालांकि जो पोरस था उसके पास बहुत ही स्ट्रांग आर्मी थी, लेकिन इसके बाद भी वो क्या बोलते हैं, बैटल को हार गए थे। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन अलेक्जेंडर फिर भी उनसे इसलिए इंस्पायर हो गए थे क्योंकि इतनी मतलब अलेक्जेंडर के पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतना कुछ करने वाला है, इसके बावजूद भी उन्होंने उसको क्या कहा, उससे लड़ने का सोचा। तो इससे इंप्रेस होकर क्या किया, जो उनका किंग, जो उनका किंगडम था, उनको वापस कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसको साल में 2 बार इशू की जाती है, जनवरी एंड जून में। जो जनवरी वाला एडिशन है वो इंक्लूड करता है इन डेप्थ एनालिसिस किसकी, टॉपिकल पॉलिसी चैलेंजेस की। वहीं अगर जून के एडिशन की हम बात करें तो वो एक शॉर्टर एनालिटिकल पीसेस को बताता है। सोसाइटी अंडर पल्लवा कैसी थी इसके बारे में जान लेते हैं। जो कास्ट सिस्टम था बहुत ही हाईली रिजिड हुआ करता था उस टाइम पे, पल्लवास के टाइम पे, और जो लैंड ग्रांट्स हैं ब्रह्मास को वो देना उस टाइम पे काफ़ी कॉमन हुआ करता था। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जो मंदिर है उनकी भी देखभाल करी जाए। जो पल्लवा पीरियड थे उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा विटनेस करा सैविज़्म और वैष्णविज़्म का, बहुत अच्छे से राइज हुआ और साथ ही साथ डिक्लाइन हुआ किसका, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। ठीक है, जो शैव नारायण थे और जो वैष्णव अलवर्स थे, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि जिससे क्या हो, ग्रोथ होके सैविज़्म और वैष्णविज़्म की। इस चीज़ को हम भक्ति मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। कई सारी हाइम्स में कंपोज की गई थी लेकिन वो तमिल लैंग्वेज में थी। अब हमें सत्वहनास के बारे में कुछ जानना है। अब कहा कि इसमें जो फाउंडर सत्वाना डायनेस्टी थे वो थे सीमुका। ठीक है जी, अब डेक्कन टाइम पर क्या हुआ था, जो सत्वहनास थे उन्होंने इस्टेब्लिश करा अपना एक इंडिपेंडेंट रूल, किसके डिक्लाइन के बाद, डिक्लाइन और ऑफ मौर्या। ठीक है जी, और इन्होंने करीब रूल किया था 450 सालों तक, और इनको हम एक तरह से आंध्रास के नाम से भी जानते हैं। जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें जो नासिक और नानागात का इंस्क्रिप्शन है वो एक बताता है कि उस टाइम के जो गौतमी पुत्र शतकर्णी थे उनका रेन कैसा था, उसके बारे में हमें चीज़ें बताता है। ठीक है जी, और इस किंग के जो आपके थर्ड किंग थे वो थे श्री सतकर्णी। इन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस को भी परफॉर्म किया था। हाला जो है वो अपनी एक बुक थी उनकी, उनका नाम था गाथा सप्तास्ती, इसकी वजह से फेमस हुए थे, जिसको हम सत्तासाई के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रकूटास के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारा, जो जैनिज़्म है वो काफ़ी फ्लरिश्ड हुआ था वैष्णविज़्म के साथ साथ इनके किंगडम में, और राष्ट्रकूटा के किंग थे उन्होंने अरब ट्रेडर्स को भी प्रमोट किया था कि वो आएं और अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रख सकें। जो विलेज असेंबलीज थे उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंस रोल किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल स्पीसीज हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो पाई जाती है हमारी कहाँ पे, सॉरी वो लिस्टेड है IUCN की लिस्ट कंसर्न में। ठीक है जी, इसके बाद हमने वो तो देख लिया। ये देखिए, ये पूरा एरिया है जहाँ पे हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो पाया जाता है, ये इंडिया के आपके यहाँ से पूरा ये होके आया है। ठीक है जी, अब मार्स क्रोकोडाइल की बात कर लें तो जो ये स्पीसीज़ है ये इंडिया में, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और कभी कभी बांग्लादेश में पाई जाती है। इसका एक्सटेंड वेस्टवर्ड इंटू ईस्टर्न ईरान तक है। इंडिया और श्रीलंका में है जो मेजर पॉपुलेशन रहती है, ये आप एरिया देख सकते हो हमारे इंडिया में। ठीक है जी, और IUCN की अगर हम बात करें तो इसमें इनका स्टेटस वल्नरेबल है। डिफरेंस क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डिफरेंस पूछा गया है संगम टेक्स्ट और ऋग्वेदिक टेक्स्ट में। ठीक है जी, जो संगम लिटरेचर है वो उसने किसी भी तरह का रिलीजियस लिटरेचर को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। वहीं जो संगम लिटरेचर है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता था और लॉन्ग पोम्स होती थी, कंपोज जाती थी अलग अलग पोम्स पोएट्स के द्वारा, जिसमें वहाँ पे क्या होता था, जो भी हीरोज़ और हीरोइंस थे उनके प्रेज में चीज़ें लिखी जाती थी। ठीक है जी, हमें बताना है कि अशोक के कौन से एडिट में उनके पर्सनल नाम को मेंशन किया गया है, जिसका आंसर है मस्की। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि ये मस्की जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कर्नाटका में है। मस्की ने अपना नाम ड्राइव किया है महाशंघा या फिर उसको मशांगे भी कहते हैं। अब 11th क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन थी, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा गुजारा प्रतिहारा जो है वो एक राजपूत रूलर के अर्लीस्ट हुआ करते थे, मतलब अर्लीस्ट राजपूत के रूलर्स थे। वहीं जो प्रतिहाराज हैं वो इन्वॉल्व हुए थे
तीन कॉर्नर कॉन्टेस्ट में, कभी किसके साथ, पालाज़ ऑफ बंगाल, ठीक है, और राष्ट्रकूटाज़ ऑफ डेक्कन के साथ, जो हमारे राजपूत रूलर्स थे, उनके जो बहुत ही ग्रेट पहले ग्रेट लीडर थे वो थे हरीश चंद्र, ठीक है जी। अब वहीं चौहान की अगर हम बात करें तो जो विग्रह राज है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे जिन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई करा था। अब वहीं कांस्टेंट फाइटिंग जो है, कांस्टेंट फाइटिंग जो हो रही थी उसकी वजह से राजपूत जो है वो वीक हो गए, और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो भी उनके कॉमन एनिमी हैं उनके अगेंस्ट वो यूनाइट नहीं हो पाए थे, ठीक है जी। इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं जो, तो हम डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 है, इसमें कहा गया है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होनी है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हर एक हाई कोर्ट में है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए जब तक कि पार्लियामेंट किसी कोई और लॉ ऐसा लेके ना आ जाए। वहीं अगर हम आर्टिकल 342 सब क्लॉज 2 की बात करें अगर हम, तो इसमें कहा जाता है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो अगर प्रेसिडेंट की पहले से कोई कंसेंट ले ले उसके बाद वो कह सकता है हिंदी लैंग्वेज को या फिर किसी अदर स्टेट लैंग्वेज को हम एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी किसी पर्पस के लिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हाई कोर्ट की प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो सके, ठीक है जी। अब जो सेक्शन 7 है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, वो भी कहता है कि आप यो हिंदी लैंग्वेज को या फिर किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ साथ ऐड कर सकते हो, ऐसी ऐसा आपको अथॉरिटी है, ऐसा ही बताया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट जो है लेनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अगर स्टेट की बात कर रहे हो आप तो स्टेट में आपको गवर्नर की लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। और ये जो हमारा प्रोविज़न है जिसमें कि हिंदी को एज अ ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ये ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है कहाँ के हाई कोर्ट में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। टोलका पीएम की बात करी गई है आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो टोलका पीएम है उन्होंने ऑथर किया था टोलका पीआर को, और ये जो है इनका जो वर्क था वो तमिल ग्रामर में था। इसके साथ ही साथ उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये हमें दी है कि जो जो संगम पीरियड था उसके टाइम पे पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो बैटल ऑफ टरैन है वो किनके बीच लड़ी गई थी, तो ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संगम लिटरेचर के बारे में, तो संगम लिटरेचर है वो कंप्राइज करता है करीब 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री अरेंज की गई हैं एट एंथोलॉजिस्ट, जिसको हम इट्टू टोकाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो मेन ग्रुप्स थे, इनका नाम थोड़ा सा टफ है तो मैं डायरेक्टली जो ब्रैकेट में वो पढ़ रही हूँ। 8 लोअर कलेक्शंस थे और दूसरा 10 सॉन्ग्स था, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, मतलब पीएम केयर्स फंड के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब के मतलब इस फंड के एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी होते हैं। ये फंड जो है कंसिस्ट करता है एंटायरली जो है ये वॉलंटियर बेसिस पे होता है किसी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और पीएम केयर फंड जो है वो क्या होता है फॉरेन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन से भी कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करता है, और ये कब चला आ रहा है, करीब 2011 से। जो पीएम केयर फंड में जो डोनेशन आता है वो क्वालिफाई करता है एटीजी बेनिफिट्स के लिए, जिसमें क्या होगा, आपको 100% एग्जेप्शन मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, ठीक है जी। चलिए अब जो भी कहा गया है इनमें से कौन सी डायनेस्टी है, मतलब कौन सी डायनेस्टी है जो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी, तो आंसर है नंदा। चोला किंगडम के बारे में बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो चोला किंगडम है वो सिचुएटेड था बिटवीन पेन्नार एंड वेल्लार रिवर के बीच में, ठीक है जी। जो चीफ सेंटर था पॉलिटिकल पावर्स का वो था उरायार में एक प्लेस जो कि फेमस है कॉटन ट्रेड के लिए। राजेंद्र वन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो राजेंद्र वन जो है वो एक रीअसर्ट किया था उन्होंने चोला अथॉरिटी को ओवर द चेरास एंड पांड्यास किंगडम, ठीक है। उन्होंने फाउंड किया था सिटी ऑफ गंधाईकोंडा चोलापुरम, जिससे कि कहो कम्यूमरेट हो सके उनका इन्वेजन कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से वो कौन सा क्राइटेरिया है जो कि यूज़ किया गया है बाय 15th फाइनेंस कमीशन, जिसमें क्या हो शेयर स्टेट के शेयर को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के बेसिस पे, इनकम डिस्टेंस और टैक्स एफर्ट्स और एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें शुंगहास के बारे में, जो फाउंडर थे शुंगहा डायनेस्टी के वो थे पुष्यमित्र शुंगहा,
जो पुष्यमित्रा सुंगा हैं वो उन्होंने क्या किया था, वो फॉलोअर थे ब्राह्मिज्म के। उन्होंने परफॉर्म किया था 2 अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस, जो बुद्धिस्ट सोर्स से उनको रिफ़र करते हैं एज अ प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे भी इनफ एविडेंसेस हमें मिले हैं जिससे कि पता चलता है क्या, जो पुष्यमित्रा थे वो पैट्रोनाइज थे बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट आर्ट के। अब क्या हुआ, पुष्यमित्रा की डेथ के बाद जो उनके बेटे थे अग्निमित्रा, वो जो है वहाँ के रूलर बने, और जो लास्ट सुंघा रूलर थे वो थे देवाभूति, जिनको उनके मिनिस्टर के द्वारा ही मार दिया गया था, और जो कि थे कौन, वासुदेवा कान्वा, जिन्हों जो कि फाउंडर थे कान्वा डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कॉरपोरेशन है मर्चेंट्स का इन एशियंट इंडिया में, तो आंसर है मनीग्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चोलास के बारे में, जो टेंपल है वो सेंटर थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इनके इनके पीरियड पे। जो कास्ट सिस्टम था बहुत ही वाइडली प्रिवेलेंट था चोला किंगडम के टाइम पे, और जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे वो बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज को इन्जॉय करते थे। एजुकेशन को भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। टेंपल और मठास के अलावा भी जिनके इसमें एजुकेशन दी जाती थी, बाकी अदर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो उस टाइम पर फ्लॉरिश कर रहे थे। मठास जो है वो ग्रेट इन्फ्लुएंसेस थे इस टाइम पे। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री थी वो भी अच्छे से फ्लरिश हो रही थी, ठीक है। इसके बाद हमें रिक्लेमेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड मिला था, और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस हो रहा था इरिगेशन टैंक्स का, जिसने एग्रीकल्चर को भी काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है कोवैक्सीन के बारे में, ये एक तरह का इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्रिएट किया गया है, जिससे कि कहो स्ट्रेन ऑफ किससे स्ट्रेन ऑफ इन्फेक्शियस SARS CoV-2 वायरस से। ये डेवलप किया गया है भारत बायोटेक इसके कोलैबोरेशन के साथ ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, अशोका धम्मा के बारे में पूछा गया है। जो फिर धम्मा का मतलब होता है वो है लाइफ, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह का सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए और इंसानों को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसके अंदर इनके जो धम्मा से हमें ये चीज़ें मेंशन थी, आपको सर्विस करनी है फादर मदर की, प्रैक्टिस करनी है अहिंसा की, लव ऑफ ट्रुथ, रेवरेंस ऑफ टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स। हमें एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करना है, फेस्टिवल गैदरिंग करना है, और हमें क्या करना है, जो भी हमारे फालतू के एक्सपेंसेस हैं उनको अवॉइड करना है, और मीनिंगलेस जो सेरेमनीज होती हैं और रिचुअल्स होते हैं उनको भी हटा के फेंकना है। उन्होंने कहा था हमें एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिससे कि क्या हो, एक सोशल वेलफेयर के डायरेक्शन में काम कर सके, और हमें मेंटेनेंस रखनी चाहिए कांस्टेंट कंडक्ट की किसके साथ, जिस पीपल्स के साथ, जिससे कि पूरे के पूरे सिस्टम में एक धम्यास्त्रा हो सके। जो ह्यूमेन ट्रीटमेंट है सर्वेंट का वो होना चाहिए मास्टर्स के द्वारा, और जो प्रिजनर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कंसीडर करना चाहिए, और कंसीडरेशन और नॉन वायलेंस होना चाहिए एनिमल्स का, और साथ साथ कोर्ट से होना टॉलरेंस होना चाहिए, लिबरलिटी और टू ब्राह्मणिज्म होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए हमें सभी रिलीजियस सेक्ट्स के लिए, और जो भी कॉन्केस्ट हो रहे हैं थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ थ्रू वॉर। जो कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस का या फिर अदर सिमिलर आइडियाज़ जो कि अशोक के धम्मा से हैं, वो आइडेंटिकल हैं किससे, टीचिंग ऑफ बुद्धा से। बुद्ध ने कोई भी ऐसी धम्मा कोट नहीं किया है बुद्धिस्ट टीचिंग के साथ। तो ये हमने आज के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।